दोस्तों आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं Huami का MS Fit BPU स्मार्ट वॉच का। बताने वाला हूं कि इस डिवाइस के क्या क्या फीचर हैं, इस डिवाइस के साथ क्या क्या चीजें आपको मिलता है, साथ ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस डिवाइस के साथ क्या रहा है, इन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले इस डिवाइस को अनबॉक्स कर लेते हैं। ये डिवाइस मैंने अमेजोन से परचेज किया था 3,500 रुपीज़ में। डिवाइस के अंदर आपको ये मेन स्मार्ट वॉच, उसके साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड आपको ये चार्जिंग केबल मिल जाता है। ये चार्जिंग केबल डिवाइस के साथ मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवाइस के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। इस डिवाइस का जो डायमेंशंस हैं वो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। डिवाइस का वेट 31 ग्राम्स का है, जिसके कारण आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। आप अगर होल डे भी इस डिवाइस को यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। जो स्ट्रैप है वो सिलिकन का है, काफ़ी प्रीमियम स्ट्रैप है। इसका विड्थ 20 mm का है और यहाँ पे आप थर्ड पार्टी स्ट्रैप्स भी यूज़ कर सकते हो, इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा डिवाइस में आपको एक फिजिकल बटन मिल जाता है, जिसको डिवाइस को अनलॉक करने के लिए, स्क्रीन को ऑन करने के लिए, प्रीवियस मेनू में जाने के लिए, ऐसे फंक्शंस के लिए इसको आपको यूज़ करना होगा। इस फिजिकल बटन के अलावा डिवाइस में और फिजिकल बटन्स आपको नहीं दिखाई देगा। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, 2 चार्जिंग पिन्स मिल जाते हैं। अगर मैं कलर्स के बारे में बात करूँ तो ये डिवाइस ब्लैक, पिंक एंड ग्रीन कलर में अवेलेबल है। सारे कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो यहां पे आपको 1.43 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 320x302 पिक्सल का TFT कलर स्क्रीन है। 2.5D गोरिल्ला ग्लास यहां पे आपको मिलता है एंड एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग भी मिल जाता है। यहां पे जो विजिबिलिटी आपको मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन सनलाइट में इसका विजिबिलिटी थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन अगर आप 100% ब्राइटनेस यहां पे यूज़ करते हो तो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो जो ब्राइटनेस है वो आपको मैन्युअली एडजस्ट करना होगा। अगर मैं सेंसर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको बायोट्रेकर 2 PPG बायोलॉजिकल ऑप्टिकल सेंसर मिल जाता है, SPO2 सेंसर मिलता है, एक्सेलेरोमीटर मिल जाता है एंड गायरोस्कोप मिलता है। हालांकि यहाँ पे आपको इनबिल्ट GPS नहीं मिलता है, इसीलिए अगर आप एक्टिविटी ट्रैक करना चाहते हो तो उस केस में आपके स्मार्टफोन को आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट करके रखना होगा, यानी कि आपको आपके स्मार्टफोन को साथ में कैरी करना होगा। अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो इस डिवाइस में ब्लूटूथ 5 अवेलेबल है, और जिसके मदद से आप अपने स्मार्टफोन को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। डिवाइस का जो ऐप है वो जैप ऐप है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी इस डिवाइस के इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस डिवाइस में आपको बाय डिफॉल्ट 4 वॉच फेसेस मिल जाएंगे। इसके अलावा जब आप डिवाइस को जैप ऐप के साथ कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे आप और वॉच फेसेस डाउनलोड कर सकते हो। मेन स्क्रीन से लेफ्ट अगर आप स्वाइप करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं, एक्टिविटी गोल, हार्ट रेट, पाई, वेदर, म्यूजिक कंट्रोल, ये सारे जो ऐप हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, सेटिंग्स में प्रेफरेंस के अंदर आप शॉर्टकट ऐप्स में जब जाओगे तो वहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं तो इस डिवाइस के साथ रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिल जाता है। हार्ट रेट काफ़ी इफिशेंटली ये डिवाइस कैलकुलेट कर लेता है, अराउंड 10 टू 15 सेकंड्स के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको SPO2 मॉनिटर मिल जाता है, जिसका रीडिंग मैं इतना एक्यूरेट नहीं बोलूँगा, लेकिन आप इसको एक रेफरेंस की तरह डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने मास्क लगा के इस डिवाइस का यूज़ किया था, जहाँ पे जब मैं मास्क लगाता हूँ तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन इनटेक है वो थोड़ा कम हो जाता है, और वो रीडिंग मुझे ये स्मार्ट वॉच देता है। तो इसीलिए इस डिवाइस को आप एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप एक ऑक्सीमीटर की तरह इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग मिल जाता है, जिसको आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, या फिर आप ऑटोमेटिक स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे रख सकते हो। ये डिवाइस वाटर रेजिस्टेंस है, 5 ATM का है। यहाँ पे आपको स्लीप ट्रैकिंग मिल जाता है, लेडीज़ के लिए यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल ट्रैकर अवेलेबल है, स्पोर्ट्स ट्रैकिंग यहाँ पे अवेलेबल है। इस डिवाइस के साथ आपको 60 स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाता है, जो कि ऑल एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट कवर कर लेता है, जहाँ पे वॉकिंग, आउटडोर साइकिलिंग, योगा,
पूल, स्विमिंग, क्रिकेट सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टेप काउंट्स आप कर सकते हो, कॉल एंड ऐप नोटिफिकेशन अलर्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्टैंडिंग रिमाइंडर मिलता है, फोन फाइंडर मिलता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने फोन को कहीं पे रख दिया है और आप भूल गए हैं, तो उस केस में आप इस स्मार्ट वॉच में फोन फाइंडर ऐप का यूज करके अपने फोन को खोज सकते हो। कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। कैमरा में आप यहाँ पे खाली शटर को कंट्रोल कर सकते हो, वॉल क्लॉक यहाँ पे मिल जाता है और पोमोडोरो ट्रैकर भी यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं तो इस डिवाइस के साथ आपको 230 mAh का बैटरी मिलता है, जो कि कंपनी के हिसाब से 9 डेज का बैटरी बैकअप देता है, जिसमें कि आप जो डिफॉल्ट वॉच पे से वो यूज करते हो, लीड टू वेक स्क्रीन एनेबल रहता है, ऑटोमेटिक हार्ट मेजरमेंट इंटरवल 10 मिनट का रहता है। तो ऐसे अगर सेटिंग्स आप अपने स्मार्टफोन में रखते हो तो 9 डेज का बैकअप देता है, जो कि कंपनी क्लेम करता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे आपको अराउंड 7 डेज का बैटरी बैकअप इजिली मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। और कुल मिला के बैटरी के मामले में मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है। जो बैटरी बैकअप है मेरे हिसाब से वो काफ़ी एडिक्वेट है। अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो ये डिवाइस एंड्रॉयड एंड iOS दोनों डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल है। अगर इस डिवाइस को आप अपने मोबाइल में कनेक्ट करोगे तो आपको प्ले स्टोर से जैप ऐप को डाउनलोड करना होगा, और जैसे ही आप जैप ऐप को डाउनलोड करोगे वहां पे रजिस्टर करोगे, आप डिवाइस को अलग अलग तरह से कॉन्फिगर कर सकते हो, कौन कौन सा ऐप आप एक्सेस देना चाहते हो, क्या क्या सेटिंग्स आपको चाहिए, ऑटोमेटिक हार्ट रेट, ये सारे सेटिंग्स जो हैं वो आप जैप ऐप के थ्रू से कंट्रोल कर सकते हो। तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर भी है वो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं प्रोज के बारे में बात करूं तो ये लाइट वेट एंड कंफर्टेबल है, स्क्रीन वाइब्रेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है, स्लीप ट्रैकिंग काफ़ी एक्यूरेट कर लेता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे आपको 50 वॉच स्पेसेस मिल जाता है, जो कि जैप ऐप के थ्रू से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर इन वॉच स्पेसेस को आप लाइक नहीं करते तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके गैलरी से भी आप वॉलपेपर रख सकते हो, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर मैं ड्रॉबैक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे GPS नहीं है, इसके कारण जब भी आप एक्टिविटी करोगे आपके स्मार्टफोन को आपके पास रखना होगा। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको नहीं मिलेगा, और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जिसके कारण जो एक्चुअल स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलेगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, और कभी कभी सिंक्रोनाइजेशन में भी आपको या फिर मोबाइल से कनेक्ट करने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप प्राइस को देखें और जो जो फीचर्स ये डिवाइस आपको ऑफर कर रहा है, ये काफ़ी बैलेंस्ड है। एक स्टूडेंट जो कि ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं वो लोग डेफिनेटली इस स्मार्ट वॉच को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर आप एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच के खोज में हैं तो इस डिवाइस को आप ऑफ नहीं करें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप Amazfit BPU स्मार्ट वॉच के बारे में सारे चीज़ें जान पाए होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।